गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने पहले वीडियो में देखा था हमारी नैप कराने का भाग एक, जिसमें हमने पुलिस की जो कार्य थे, पुलिस के जो दायित्व थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें पुलिस का ही कुछ एक भाग रह गया था कि आपराधिक नैप कराने के लिए कौन कौन सी चीजें होती है, जो चार स्टेज होती है, जैसे पुलिस के माध्यम से, फिर होता है आपके सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। इन चारों के माध्यम से क्या होता है, एक अपराधी को दोषी या निर्दोषी ठहराया जाता है। तो आज हम बात करेंगे, आप पढ़ने जा रहे हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे कि प्राथमिकी या FIR कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में हम FIR कहते हैं। FIR इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे क्या क्या कहा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी या FIR के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद पुलिस FIR है दर्ज होने के बाद ही दर्ज होने के बाद ही FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है, किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है, इसे अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। और कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर, किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर, जब कोई अपराध हो जाता है उसकी क्या मिलने पर, सूचना मिलने पर, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी, थाने के प्रभारी अधिकारी, जो प्रभारी अधिकारी होता है, प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR जो FIR होती है वो क्या करनी चाहिए, दर्ज करनी चाहिए। दर्ज करनी चाहिए और पुलिस को यह सूचना मौके के लिखे यह सूचना
निखिल तथा मौखिक रूप से लिखित तथा मौखिक किसी भी रूप में मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है। देखो बच्चों, पुलिस FIR दर्ज होने के बाद किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है जब FIR मुझे मिल जाती है। कानून में कहा गया है कि किसी संदेह अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह भी सूचना लिखित या मौखिक किसी भी रूप में मिल सकती है। जो ये सूचना होती है अपराध की, वो उसको लिखित रूप में मिल सकती है और मौखिक रूप में भी मिल सकती है, किसी भी रूप में मिल सकती है। आगे हम देखेंगे FIR के बारे में देखेंगे। इसे FIR में क्या होता है, FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख तारीख होती है, ठीक है। वारदात की क्या होती है, तारीख होती है और समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है, समय व स्थान का उल्लेख किया जाता है। समय और स्थान का क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है कि किस समय हुई और किस स्थान पर हुई, ये चीजें जो बताई जाती है, ठीक है। और उसमें वारदात के मूल तथ्यों, उसमें वारदात के मूल तथ्यों, जो मूल तथ्य होते हैं, मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा होता है और घटनाओं का विवरण भी लिखा होता है। घटनाओं का क्या लिखा होता है, विवरण भी लिखा होता है। साथ ही में अगर अपराधियों का पता हो तो, अगर अपराधियों का पता हो तो, अगर मान लीजिए हमें अपराधियों का क्या हो पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी, उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है, विवरण लिखा जाता है, उल्लेख किया जाता है। देखो बच्चों, FIR लिखवा दी जाती है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख और समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है कि कहाँ पर हुई, किस समय हुई और किस जगह पर हुई, ठीक है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का भी विवरण होता है कि कौन से तथ्य थे, किस क्या वारदात हुई थी, और अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम में गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। मान लीजिए कई बार हमें ये रहता है कि इस आदमी ने
चोरी की है, जैसे कि हमने शांता की कहानी में देखा था, तो उसका नाम और पता और गवाहों के बारे में पता था, तो उसके बारे में लिखवा दिया गया, तो उनका भी क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है जब FIR लिखवाई जाती है। FIR इस तरह से आगे इसको भेजेंगे। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इसमें शिकायत करने वाले के दस्तखत करवाए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। मतलब जब हम FIR लिखवा के आते हैं तो एक नकल हमारे पास रहती है और एक नकल पुलिस के पास होती है। पुलिस उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती है। वो जो आपको नकल दी जाती है कैसी होती है, मुफ्त नकल होती है, मतलब मुफ्त दी जाती है, उस पर वो किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले सकती है। तो ये जब FIR लिखाई जाती है तो इन सब बातों का चित्र होता है और एक आपके पास होती है FIR की कॉपी और एक पुलिस के पास में होती है। आगे हम देखने जा रहे हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि FIR किस तरह से लिखवाई जाती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है और किन किन चीजों का उल्लेख किया जाता है, किन किन चीजों को इसमें देखा जाता है, तब जाकर के क्या होता है कि मुजरिम तक पहुंचा जाता है कि कौन व्यक्ति दोषी है। अब हम पढ़ रहे हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील की भूमिका, सरकारी वकील की भूमिका, ठीक है, सरकारी वकील की भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे किसी आपराधिक उल्लंघन को, किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। किसी अपराध उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है और इसका मतलब यह है कि अपराध केवल इसका मतलब यह है कि यह अपराध केवल अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं है कि अपराध करने वाला पीड़ित व्यक्ति कोई नुकसान पहुंचा, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है, अपराध होता है, बल्कि पूरे समाज के प्रति ही अपराध होता है। और आपको हमने पिछले अध्याय में दहेज की घटना पढ़ी थी, ठीक है, और जब हमने देखा था कि उस लड़की को दहेज के कारण क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, उसके जो पति है उसको और उसके परिवार वालों को क्या मिली थी, सजा मिली थी, मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे को राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार व अन्य नाम दिया गया। इसी तरह शांति वाले मुकदमे में भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति
की बजाय राज्य बनाम शांति के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, राज्य का पक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है, सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है, जब सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है, अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। तो आपने देखा बच्चे सरकारी वकील की भूमिका में देख रहे हैं, किसी अपराधी दंडक को जनता के विरुद्ध माना जाता है, जो अपराध होता है उसको क्या होता है, अपराधी जो उल्लंघन होता है उसको जनता के क्या माना जाता है, विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज को भी अपराध होता है। और अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पूरी जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है कि इस आरोपी के ऊपर क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। आगे इसी में देखेंगे, सरकारी वकील की इस जांच में सरकारी वकील की इस जांच में जिस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती है, जो सरकारी वकील होता है उसकी जांच में कोई भूमिका नहीं होती, जो जांच पुलिस करती है कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन उसे राज्य की ओर से अभियोजन अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, प्रस्तुत करना होता है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह क्या करे,
उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, निष्पक्ष रूप से क्या करे, अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, जितने भी ठोस तथ्य हैं, गवाह और सबूत पेश करें, गवाह व सबूत पेश करें, गवाह और सबूत क्या करें, पेश करें, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। आया आपको समझ में कि सरकारी वकील क्या कर सकता है? सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। जब पुलिस जांच करती है तो उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है, जो राज्य उसको अभियोजन देती है वो प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। तो ये बच्चों सरकारी वकील के कार्य होते हैं। पुलिस की जांच के बाद में सरकारी वकील इस तरह से कार्य करता है। अब आती है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो पहलू है हमारा सरकारी वकील के बाद में न्यायाधीश आते हैं, उसके बाद में आएगा विपक्ष की सुनवाई। ठीक है, ये चारों आधार होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति को सजा मिलती है या वो निर्दोष साबित होता है। तीसरा आधार है आपका न्यायाधीश की भूमिका। न्यायाधीश की न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। न्यायाधीश की भूमिका, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है, खेलों में एम्पायर की होती है। ठीक है, जो खेलों में किसकी होती है, एम्पायर की होती है, वे निष्पक्ष भाव से निष्पक्ष भाव से, ये निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में खुली अदालत में निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं, का संचालन करते हैं। ये निष्पक्ष भाव से क्या करते हैं, मुकदमे का संचालन करते हैं और न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। जो भी गवाह बयान देती है उसको कौन सुनता है, न्यायाधीश सुनते हैं और
अभियोजन पक्ष, अभियोजन अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से, तथा बचाव पक्ष की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की, पेश किए गए सबूतों की, पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं, जांच करते हैं अपने सामने मौजूद बयानों, मौजूद बयानों को अपने सामने मौजूद बयानों को वह सबूतों के आधार पर, वह सबूतों के सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं, कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं। देखो बच्चों, न्यायाधीश की बड़ी हैसियत होती है जो खेलों में एक एम्पायर की होती है, मतलब जो सही गलत है उसका फैसला वहां लेता है, जैसे खेलों में एम्पायर लेता है वैसे ही न्यायाधीश लेता है। वे निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं, न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं, अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं कि व्यक्ति दोषी है अथवा निर्दोष है, इस तरीके से वो तय करते हैं। आरोपी अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं, वह कानून के दिए गए प्रावधानों के साथ दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं। तो कानून ने उनको प्रावधान दिए, उसके आधार पर उसको क्या कर सकते हैं, अगर दोषी व्यक्ति है तो उसको जेल भी भेज सकते हैं और उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं, मतलब जुर्माना भी लगा सकते हैं और उसको जेल में भी डाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, न्यायाधीश किस तरह से अपना न्याय करता है, सारी चीजें उसके सामने होती है, गवाह उसके सामने होती है, वो उनसे पूछताछ करता है, उस सबूतों को देखता है, बयानों को सुनता है, सब चीजों को देखते हुए उनके अनुसार न्यायाधीश ये तय करता है कि वो व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं है। तो ये न्यायाधीश की क्या होती है, भूमिका होती है, जैसे कि एम्पायर की होती है, और जो अगर दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो उसको कानून के माध्यम से क्या दिला दी जाती है, सजा दिला दी जाती है। अगर दोषी व्यक्ति होगा तो कानून उसको क्या देगा, सजा देगा, अगर व्यक्ति निर्दोष होगा तो उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया। जैसे हमने इससे पहले पढ़ी थी कहानी, उसमें शांता क्या पाई जाती है, निर्दोष पाई जाती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो न्यायाधीश ही फैसला करता है, सरकारी वकील द्वारा आपको बताया गया कि सरकारी वकील क्या करता है, ठीक है, सरकारी वकील मुकदमा जो आता है उसके सामने जो पुलिस उसको उसके सामने जो जो भी चीजें आधार पेश करती है उसके माध्यम से वो क्या करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। उसका न्याय भी कैसा होता है, निष्पक्ष होता है, वो राज्य के लिए लड़ता है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो उसका अपराध नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, पूरे समाज के लिए अपराधी होता है, पूरे समाज का ही उसमें अपराध होता है। तो आज हमने देखो बच्चे, हमारे अपराधी न्याय प्रणाली में आज तो हमने पढ़ा कि FIR में क्या होता है, FIR किस तरह से लिखवाई जाती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, किन किन चीजों का उल्लेख और विवरण दिया जाता है। उसके बाद में हमने सरकारी वकील के बारे की भूमिका को पढ़ा कि सरकारी वकील क्या होता है, समाज के प्रति जो भी
अपराध होता है उसकी सुध लेता है और अपने जो निष्पक्ष न्याय है वो करता है, राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। और पुलिस की जांच पूरी होने के बाद भी जब अदालत में सब चीजें आती है उसके बाद में ही क्या होता है, सरकारी वकील की भूमिका प्रारंभ होती है। न्यायाधीश के बारे में हमने पढ़ा है कि न्यायाधीश किस प्रकार से न्याय देता है। अब हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के भाग के लिए जो हम निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।